Let's see how many people show up today. Book launch? Yes, in second. Oh, one sec, one sec. नमस्ते नमस्ते, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक सवाल, क्या आपने इस कमरे में कोई ऐसी चीज देखी है जो आपकी अपनी है पर शायद आप उसे अपना मानते नहीं? चलिए कोई बात नहीं, कार्यक्रम समाप्त होने तक शायद समझ में आ जाएगा, तो शुरू करें। एक्सक्यूज मी, ये बुक लॉन्च में आपको पे पट्टी बांधने का क्या मतलब है? ऑडियो बुक है क्या? मेरा नाम अरविंद बैनर्जी है, उम्र 54 साल। 12 साल का था जब एक एक्सीडेंट में मेरी आंखें चली गई। 40 साल तक मैंने सिर्फ वही देखा जो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं। 2 साल पहले मेरी सर्जरी हो गई और मेरी आंखें वापस आ गई। ये किताब ना ही उस 12 साल के बच्चे के बारे में है और ना ही उस 40 साल के अंधेरेपन की। ये किताब उन 2 साल के बारे में है जब मैंने ये देखा मैं अकेला अंधा नहीं था। कंफ्यूज्ड, मैं भी काफी कंफ्यूज था क्योंकि जिस देश को मैंने 12 साल तक देखा था और जिस देश को मैंने 40 साल तक सोचा था वो देश देश वैसा रहा नहीं यार। त्योहार, त्योहार बड़े पसंद है मुझे। हम लोग मिलते थे, गाते थे, बातें करते थे, आज भी करते हैं ऑफकोर्स, पर क्या उस 6 इंच के स्क्रीन में वो मजा है जो कि एक इंसान अगर सामने हो तो आता है? सन्नाटा नहीं लगता आपको आजकल के त्योहारों में? क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस देश की ताकत क्या है? डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, शायद इसी डाइवर्स सोच के चलते लोग आजकल अपने माँ बाप से अलग रहना चाहते हैं, या फिर इसी डाइवर्सिटी को और डाइवर्स बनाने के लिए आजकल स्कूलों में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फ्रेंच और जर्मन लिए जाते हैं। अरे हाँ, आप कंफ्यूज तो हो गए ही ना, पूरनपोली, लिट्टी चोखा, ढोकला, अप्पम, चन्ना पोड़ा, मक्के की रोटी, दाल भाटी, सौंदेश, इतने सारे ऑप्शंस जो हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, सिंपल से ऑप्शंस ढूंढ लेते हैं, पास्ता, बर्गर, पिज्जा। शायद इसी डाइवर्सिटी की वजह से लोग आज एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। लेकिन तो... सर, ऐसा थोड़े ही है, वी आर अ प्रोग्रेसिव कंट्री। मॉडर्नाइजेशन होते होते कुछ चीजों में इधर उधर वेस्टर्नाइजेशन हो ही जाता है। मुझे बताइए, मॉडर्न होना और वेस्टर्नाइज होना एक ही बात है? पर अरविंद, मुझे लगता है कल्चर अपनी ताकत है, राइट? जी, आई टू बिलीव वी आर रिच इन कल्चर। यस मैम, एब्सोल्युटली आई टू बिलीव द सेम। बट कौन सा कल्चर? वो कल्चर जो देश को महान बनाता है, और दैट कल्चर विच टेक्स प्राइड इन कॉपिंग द वेस्ट। वो कल्चर जो हमेशा सिखाता है कि बड़ों की इज्जत करो, और दैट कल्चर विच पेज रिस्पेक्ट ओनली वंस अ ईयर, मदर्स डे, टीचर्स डे, फादर्स डे। वो कल्चर जो हमें सिखाता है कि दूसरों को स्वयं से हमेशा पहले रखो, और दैट कल्चर विच कीप्स टॉकिंग अबाउट मी, मायसेल्फ एंड आई। वो कल्चर जो हमें सिखाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, पिकासो, दाविंची के बारे में, और दैट कल्चर विच डज नॉट इवन नो अबाउट ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत, भास्कराचार्य, चरक। वो कल्चर जिसने इस दुनिया को योग, साधना, विपश्यना सिखाया, और दैट कल्चर विच गेट्स डिस्ट्रैक्टेड बाय अ साउंड ऑफ नोटिफिकेशन। ये किताब मेरे 40 साल के अंधेपन की कहानी नहीं है, ये हमारे 77 साल के अंधेपन की है जिसने हमें अपने आप से अलग कर दिया।
अब आप लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं। बस एक आखिरी सवाल। माना मैं 40 साल से अंधा था, पर आप लोगों ने देखना क्यों छोड़ दिया? सर, वो आपने स्टार्ट में कहा था कि इस हॉल में एक ऐसी चीज है जो हमारी है, पर हम उसे अपना मानते नहीं। सर, वो क्या चीज है? चलो खुद से एक वादा करें, आंखें खोलने का, अपनी संस्कृति देखने का और उसे अपना मानने का।